गलत समझ रही हैं। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। बहुत दुख हुआ है हमें सुन के। दादी जान, नाश्ता ठंडा हो रहा है, प्लीज खाइए ना। आपकी पसंद का ऑमलेट भी बना है। आप भी खाइए, एक ही दिन में आप शहीद के जाने से कमजोर हो गए। मेरा नाश्ता हो गया भाई, मैं जा रही हूँ तुम्हारे कमरे में रेस्ट करने के लिए। आपने इनका कमरा तैयार नहीं करवाया? जी वो आप, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं शाम तक चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लें। मैं सिर्फ रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। सजन, इस घर में कोई भी किसी का कमरा शेयर नहीं करता, इसलिए दादी जान ये बात कह रही है। हमारे घर में तो इतनी पाबंदियां नहीं थी, और मैं किसी और के कमरे में नहीं जा रही जो तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है। खामखामे मूड खराब कर दिया। दादी जान, सजन थोड़ी सी जज्बाती है, आप प्लीज उसकी किसी बात का माइंड मत कीजिएगा। चाय दूं आपको? साबरा चाय दें, गुड़ वाली चाय बनी आज। आज सजन में बहुत अजीब सी तब्दीली देखी है हमने। खैर, आप उनको टाइम दें। जी। दानियाल, दानियाल बेटा कहाँ चला गया? दानियाल, ये कहाँ चला गया नाश्ता किए बगैर? पता नहीं। अंकल, शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ। ये जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप इसे खौफनाक ख्वाब समझ के भूल जाए। यूं समझिए कि मैंने कभी आपकी बेटी की ख्वाहिश की ही नहीं थी। शरीफ लोगों की इज्जत का जनाजा निकालकर तुम्हारे लिए माफी मांगना बहुत आसान होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुमने इतनी ग्रीवी और घटिया हरकत की है, तुम सोच नहीं सकते तुमने मुझे और मेरी बेटी को कितनी ज़हनी अज़ियत पहुंचाई है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अंकल, मैं वादा करता हूं कि आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, बल्कि अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन प्लीज आप सज्जल को माफ कर दीजिए, उसकी यूनिवर्सिटी मत छुड़वाइए, उसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा, वो बेकसूर है। तो ये भी नहीं जानती कि मैं उसे पसंद करता हूं। बस इतना ही दम था तुम में? खत्म हो गई वो सारी चालाकी? सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप बेशक मुझे माफ मत कीजिए, इस सज्जल के साथ कोई ज्यादती मत कीजिए। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम भी तुम्हारी जबान पर आया। अपनी बेटी का अच्छा बुरा मैं खूब समझता हूं, तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखना, आइंदा कभी मेरे या मेरी बेटी के रास्ते में आए ना तुम, तो इससे बुरा हश्र होगा तुम्हारा। समझ गए तुम? जाओ यहां से।